श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक माने जाने वाले रॉबर्ट हुक का जन्म 18 सितंबर 1635 को इंग्लैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर हुआ था। ऑक्सफोर्ड में हुक न केवल गायक, नक्शानविस, चित्रकार व शिल्पी के रूप में कार्य करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे लकड़ी व धातु से चीज बनाने में माहिर थे। उन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में कार्य किया, जिसकी जीती जाती मिसाल सैकड़ों गिरजाघर है। उन्होंने अपने निवास पर श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को एकत्रित करने का कार्य किया, जिससे रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। रॉबर्ट हुक को प्रारंभ में रॉयल सोसाइटी के फेलो वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों के लिए उपकरण तैयार करने के लिए हेतु रखा गया। इस क्रम में उन्हें विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से परिचित होने का अवसर मिला। वे प्रयोगों में महारत हासिल करते चले गए। कमजोर शरीर के बावजूद वे प्रगति करने चले गए। उन्होंने न केवल उपकरण का निर्माण किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिजाइन भी तैयार किए। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मक्खी की आँख के चित्र तैयार किए। माइक्रोस्कोप संबंधी अध्ययन व उपयोग को उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोमाफिया में दर्ज किया। वैज्ञानिक उपकरण तैयार करने में उनका कोई जवाब नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हुक का नियम जो सन 1676 को प्रकाशित हुआ, कार्क की संरचना की जांच उन्होंने माइक्रोस्कोप से की थी। 18 जुलाई 1703 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। धन्यवाद। Thank you.